देश भर में भीषण गर्मी का कहर जारी है। बढ़ते तापमान से सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। गर्मी के कारण गलियों से लेकर सड़कों तक पर लोगों ने आवाजाही बेहद कम कर दी है, लेकिन इस बीच उन ट्रैफिक पुलिस कर्मियों का क्या जो कड़कती धूप में खड़े होकर अपनी ड्यूटी निभाते हैं। तो ऐसे में गर्मी से बचने के लिए गुरुग्राम पुलिस द्वारा कूलिंग जैकेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, कूलिंग जैकेट्स हमारे जो जेडोज हैं, 13 पॉइंट्स जेडोज हैं, उनको दी गई हैं, और इसका मोटिव ये है कि आप देख रहे हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो एसी जैकेट्स हैं ये जो अभी हमने सैंपल के तौर पर देखने के लिए भी इनके क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं, हमारे 13 पॉइंट्स पर जेडोज को दी गई हैं। इससे क्या कुछ राहत मिलने के लिए? देखिए, इसीलिए दी गई हैं, इससे कुछ हमारे जेडोज जो है धूप में खड़े होकर के ड्यूटी करते हैं, तो इनसे उनको क्या राहत मिलती है। अगर राहत मिलती है तो फिर इसमें आगे हम फर्दर कार्रवाई। प्रयोग सफल हुआ तो बाकी सब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर प्रयोग सफल हुआ तो फिर अफसरान बाला के उससे दोबारा। अभी सिर्फ प्रयोग के लिए है ये? अभी केवल सैंपल के तौर पर ही, प्रयोग के तौर पर ही केवल 13 पॉइंट्स पर दी गई। बाकी देश में कुछ कूलिंग जो सिर के लिए भी कुछ ऐसे हेलमेट आए हैं? हाँ, वो है, एसी हेलमेट्स का भी हमने सुना है, लेकिन फिलहाल हमने एसी जैकेट्स का ही प्रयोग करके देख रहे हैं। उसके बाद अगर देखते हैं एसी हेलमेट्स का भी अगर कुछ होगा तो जरूर किया। इस कूलिंग जैकेट में दो तरफ पंखे लगे हैं जो पुलिस कर्मियों को आग बरसाती इस गर्मी से बचा सकते हैं। ये जैकेट अभी सैंपल के तौर पर पुलिस वालों को दी गई है, तो ऐसे में आइए जानते हैं कि पुलिस कर्मी ने क्या कहा। यूज किया है सर, एक तो इसका वेट थोड़ा ज्यादा है और बर्फ भी थोड़ी, मतलब ये जो दिया है ये जल्दी पिघल जाती है, ज्यादा देर नहीं चलती, जैसे गर्मी में है दो घंटे बस, दो घंटे तो में कूल पैड लगे हुए हैं, कूल पैड जो लगे हुए हैं वो दो घंटे में ही वो हो जाता है। फिर उसके बाद क्या उसका पर... उसको दोबारा फिर उसमें फ्रीजर में रखना पड़ता है। तो फ्रीजर तो आपके फ्रीजर तो यहाँ तो है नहीं, कहीं देखना पड़ेगा। तो यानी कि दिन में अगर कहीं फ्रीजर नहीं है तो दो घंटे से ज्यादा वो नहीं चलेगा। अच्छा, फिर जो ऊपर का, जैसे हमने ऊपर पहन लिया लेकिन जो नीचे का शरीर है वो ज्यादा गर्म हो जाता है, यानी कि शरीर में आधा शरीर गर्म और आधा ठंडा। हाँ, वो ज्यादा गर्म हो जाता है। तो ये भी नुकसान का? ये भी नुकसान, यानी कि इसमें भी आपको लगता है कि? हाँ, मेरे को, मैं सुबह जो डाला नीचे के पैर में बहुत ज्यादा गर्म हो गए, ऊपर ठीक लेकिन नीचे ज्यादा। अच्छा, इसके बाद जो ऊपर जैकेट दी गई है उसकी क्या वो है? वो उसमें वो फैन लगे हैं, वे जैसे फैन चलेंगे तो ठंडी, इसको ठंडा रखेंगे ना, इसका जो ये जो आइस क्यूब दे रखी है, हाँ। इसको इस पे लगेंगे भी हवा तो ठंडा हो देंगे। तो वो कितनी देर के चल रहे हैं? वो कितने? वो कम तकरीबन 4-5 घंटे, यानी कि उसका तो चार्जिंग का भी है? उसका तो चार्जिंग है, उसका तो हो जाएगा, उसका तो हो जाएगा। हाँ, लेकिन मेन तो ये है ना, एक तो थोड़ा वेट ज्यादा है, हाँ, फिर एक ये आधा शरीर को ना, आधा शरीर बीमार वो करने वाले, नीचे गर्म शरीर हो जाता है, आधा शरीर जो है वो ज्यादा गर्म हो जाता है, इसका ये कभी ये ना हो कि साइड इफेक्ट दूसरा बीमार वाला ना हो जाए, ये सब चीजें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो लेकिन कुछ राहत मिलती है जब आप धूप ना? राहत तो जब तो मिलती है, जब तो राहत मिलती है, लेकिन साथ के साथ फिर वो पैर जलने लगते हैं, इसका मैंने ये देखो, वजन ज्यादा है ना, वजन के उससे ज्यादा देर पैर ही नहीं जाएगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।